क्या नाम है आपका? विशाल प्रजापति। विशाल भैया, थोड़ी में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है चुनाव? यहाँ वही भूपेन भैया हैं अपने। तो अच्छा, भूपेन भैया जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा, कितने हजार वोटों हैं जीत रहे हैं? वो तो अपन नहीं बता सका, लेकिन उन्हीं का प्रयास ज़्यादा है। अच्छा, उन्हीं का लग रहा है। अच्छा, वही जीत रहे हैं चुनाव। खुरई में विकास किया है उन्होंने? यह है ना, विकास बहुत किया है उन्होंने तो किया है विकास। अच्छा, बहुत विकास किया है उन्होंने। जैसे क्या क्या बनाया है खुरई में, क्या क्या विकास किया करवाया है? ऑडिटोरियम वगैरह, पार्क वगैरह सब, बहुत कुछ आवास, बहुत कुछ करवाया है। कैसा क्या है चुनावी माहौल खुरई में? भूपेंद्र भैया है, भूपेंद्र भैया जीत रहे हैं। अच्छा, कितने हजार वोटों में जीत रहे हैं भैया? अभी तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अच्छा, मतलब आपका तो मत कमल को ही जाएगा। हाँ। और भूपेंद्र भैया ने विकास किया है? विकास की गंगा बह रही है यहाँ पर। अच्छा, जैसे क्या क्या काम किया है खुरई में? खुरई में किला, दुहेला महोत्सव और बहुत से काम किए हैं, गिना नहीं सकते, बहुत काम। अच्छा, बहुत काम किए हैं। खुरई में क्या है चुनावी माहौल, कौन जीत रहा है चुनाव? बीजेपी की सुनते हैं भी जो भैया। बीजेपी? जी हाँ, मतलब सुनते हैं बीजेपी जीत रही है। हाँ, बीजेपी जीत रही है। अच्छा भैया, कितने मतों से जीत रहे हैं? मतलब जानकारी नहीं है हमारे लिए। अच्छा, बीजेपी की सुनते हैं अपन तो भैया। अच्छा, बीजेपी की सब जनों के मुँह से। अच्छा, बीजेपी चुनाव जीत रही है। हाँ। चलिए, और भैया ने विकास किया है? खूब जम से विकास किया है। अच्छा, जैसे क्या क्या बनवाया है? बहुत विकास किया, विकास के बाद तारीफ कर सकते भैया हम। अच्छा, बहुत विकास किया है। क्या नाम है आपको? देशराज यादव। देशराज यादव, 55 साल की उम्र है। अच्छा, देशराज भैया कौन चुनाव जीत रहा खुरई से? फूल खिलेगा, जिला बनेगा। हमारे मम्मा आएंगे, हमें शांति है, दारूखोरी बंद हो गई, गुंडागिर्दी बंद हो गई, सुंगरा सुंगरिया बाजार से भग गए। हमारा तो विचार है कि मम्मा जिला बना देवे, गरीबों को कुटी दुआ देवे। अच्छा, खुरई में क्या है चुनावी माहौल? एक सा है भाई, 50-50 है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन जीत रहा चुनाव? और कोई भी जीत जाए, कोई से मतलब नहीं है भाई, कोई से मतलब नहीं है। आप को तो मूंगफली की दुकान चलाने। अच्छा, वैसे फिर भी और कोई भी जीत जाए, कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खुरई में कहा है चुनावी माहौल? खुरई में चुनाव का माहौल बढ़िया चल रहा है, शांति से। कौन जीत रहा चुनाव भैया? ये तो भूपेन्द्र सिंह। भूपेन्द्र सिंह जीत रहे हैं चुनाव। कितने हजार वोटों है जीत रहे हैं? अपन नहीं लगा सकते आंकड़ा। अच्छा, लगभग फिर भी? अरे फिर भी कम से कम 40-50 हजार तो जीत, 40-50 हजार जीत रहे हैं मंत्री जी। अच्छा, और खुरई में विकास हुआ है? नहीं हुआ, हुआ ना, बहुत कुछ किया। अच्छा, बहुत विकास हुआ है खुरई में, जैसे क्या क्या हुआ है विकास? विकास के लिए क्या है, पार्क बन गए हैं। हाँ। दुहेला महोत्सव है। हाँ। नगर पालिका की दुकानें बन गई, आश्रम बन गया। अच्छा, रेस्ट हाउस, मोटर स्टैंड बन गया। हाँ। और सब कुटी मुटी मिली सबके लिए, कुटीर वगैरह ही मिली है, और क्या चाहिए अब। अच्छा, और ये बीना नदी परियोजना का भी बहुत है कि अब सिंचाई के लिए दिक्कत नहीं आएगी, जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं सभी जगह सिंचाई भी पर्याप्त? हाँ, वो भी किसानों के लिए एक फायदेमंद की चीज, अभी तक नहीं हुई जो अब हो गया है। अच्छा, तो मतलब बहुत विकास हुआ है खुरई में, मतलब मंत्री जी के कामों में संतुष्ट हो आप? हाँ, संतुष्ट। चुनावी चर्चा कर रहे थे, और चुनावी चर्चा में हमने जनता से बात करी और जनता का मूड जाना। कैमरा पर्सन अंकित के साथ हिमांशु बजाज, खुरई।